हे YTBS की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, वो टाइम आ चुका है जब सबसे ज्यादा ट्रैवलर्स मनाली के हिल स्टेशन पे जाने के लिए पूरे साल का वेट करते हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नवंबर से लेकर के मार्च का। वो टाइम आने वाला है जब सभी लोग मनाली जाने के लिए जो है वो तैयारी करते हैं, खास करके हमारे हनीमून कपल्स। तो अगर आप इस पैकेज को अवेल करना चाहते हैं, मनाली का एक फैमिली पैकेज लेना चाहते हैं या हनीमून पैकेज लेना चाहते हैं, तो ये आज का वीडियो आपके लिए ही है। बने रहिएगा वीडियो पर लास्ट तक। और हाँ दोस्तों, मैं इस पूरे वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ मनाली का एक और हनीमून पैकेज, जिसमें आप ये देखेंगे कि आपको दिल्ली से किस तरह से मनाली ले जाया जाएगा, वहाँ पर कौन सा होटल होगा, किस कैटेगरी का होटल होगा, उसमें क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी, कौन कौन से साइट सीइंग प्लेसेस पर आपको घुमाया जाएगा, और वो सारी जानकारियाँ जो पैकेज के लिए आपको रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो आपको सारी इस वीडियो में बताई जाएंगी। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपने YT भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन आ रहा है, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। साथ में बेल आइकन को दबा करके ऑल को जरूर सेलेक्ट करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसके साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर किसी फ्रेंड को शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर जरूर कर दें। आइए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में और जान लेते हैं मनाली पैकेज की वो सारी डिटेल्स जो आप जानना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Hey फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में और आपके सामने है मनाली का सुपर लग्जरियस हनीमून पैकेज। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको देने जा रहा हूं, और आपको एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि ये पैकेज अगर आप किसी और ट्रेवल एजेंट से लेते हैं तो लगभग 2 से 2500 रुपए आपको एक्स्ट्रा पड़ने वाला है। तो YT भारत पर जो भी मैं पैकेज लेकर के आता हूँ वो स्पेशल डिस्काउंट के साथ होते हैं, और आइटनरी आपकी सुपर होती है। किसी भी तरह का सस्पेंस या कोई भी कटौती इसमें नहीं की जाती है, इस बात के लिए आप श्योर रह सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही यूनिक हनीमून पैकेज को फॉर मनाली फ्रॉम दिल्ली। दोस्तों, ये हनीमून पैकेज आपका मनाली बाय वॉल्वो है। 2 नाइट इन वॉल्वो और 3 नाइट इन मनाली आपको मिलेगा। लग्जरी हनीमून स्पेशल इंक्लूजन में क्या क्या होता है इसमें? वेलकम ड्रिंक ऑन अराइवल, 1 कैंडल लाइट डिनर प्लस स्नैक्स, फ्लावर बेड डेकोरेशन, और आपको मिलेगा हनीमून के। तो ये इंक्लूजन के मेन अट्रैक्शन थे। इसके बाद आपको बता देते हैं जो होटल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक कैटेगरी आपको बता देते हैं होटल्स, इसमें हम आपको आउट टाउन मनाली आउट से सिमिलर प्रोवाइड करेंगे। ये मनाली आउट टाउन होटल की कुछ फोटोग्राफ्स हैं। इससे सिमिलर अगर ये नहीं मिला तो इससे सिमिलर आपको होटल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके बाद आइए शुरू कर देते हैं इसकी आइटनरी को। डे वाइज आइटनरी में आप पहुंचेंगे डे 1 पर दिल्ली से मनाली, ओवरनाइट जर्नी होगी, और नेक्स्ट डे आप मनाली पर पहुंच जाएंगे। मनाली पर पहुंचने के बाद आपको जो है वो कार पिक करने के लिए आएगी, पिक करके आपको ले जाएगी, चेक इन कराएगी होटल में, और चेक इन कराने के बाद हाफ डे की लोकल साइट सीन के लिए आपको लेकर के चले जाएंगे। आप वहां पे निकलेंगे, जैसे हडिम्बा टेंपल जाएंगे, वशिष्ठ टेंपल जाएंगे, वन विहार जाएंगे, हांगकांग मार्केट जाएंगे, तिब्बतन मॉनेस्ट्री जाएंगे। इन जगहों पर घूम फिर करके आप वापस आएंगे और आपकी नाइट जो है वो बीतेगी होटल के अंदर, इंजॉय करेंगे आप डिनर। इसके बाद आपकी थर्ड डे के आइटनरी बता देते हैं। थर्ड डे जो वहां का सबसे यूनिक प्लेस है, जहां पर आप अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, और स्नोफॉल के दिनों में जाएंगे तो आपको वो किसी यूरोप की किसी लोकेशन से कम नहीं लगेगा। मनाली से सोलांग वैली सुबह आप ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद आप निकलेंगे बाय कार सोलांग वैली के लिए। सोलांग वैली के रास्ते में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर वादियां देखने को मिलेगी। उसके बाद आप वहां पर एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं, लाइक स्कीइंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, रोपे भी होता है, जॉर्बिंग कर सकते हैं, आप वहां पर टायर पे स्केटिंग भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो वहां पर करने लायक होती हैं, वहां पर जाकर के आप काफी इंजॉय करेंगे। नेक्स्ट डे आप निकलेंगे मनाली कुल्लू मणिकरण के लिए। आफ्टर हार्टली ब्रेकफास्ट आप निकलेंगे कुल्लू मणिकरण के रास्ते पर। मणिकरण गुरुद्वारा हिंदू और सिखों के लिए बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जो रास्ते में आपके कसोल भी पड़ता है। कसोल का आपको पूरा आउटर की ग्रीनरी देखने को मिलेगी। आप बीच में गाड़ी को रोक करके किसी ब्रिज पर जो है कसोल का नजारा भी ले सकते हैं, और नदी को हल्का सा पार करके आप नीचे भी जाकर के पत्थरों पर कुछ विजिट कर सकते हैं 15-20 मिनट के लिए। इसके बाद आपको रास्ते में देखने को मिलेगा वैष्णो देवी टेम्पल, पार्वती रिवर। उसके बाद आप रात को वापस लौट जाएंगे और ओवरनाइट स्टे करेंगे होटल में डिनर करने के बाद। उसके बाद आपका फिफ्थ डे मनाली दिल्ली का वापस रिटर्न होगा। आप वहां पर ब्रेकफास्ट करके मॉल रोड पर विजिट कर लीजिएगा, चेकआउट करने के बाद सामान को वहीं पर रख दीजिएगा।
अपने जो वहां पर लॉकर रूम्स होते हैं, लॉकर्स रूम में रखने के बाद आप मॉल रोड पे निकल जाइएगा, कुछ परचेजिंग करिएगा गिफ्ट की फैमिलीज और फ्रेंड्स के लिए। उसके बाद शाम को लगभग 4 बजे के आसपास आपकी वॉल्वो होती है वापस लौट करके होटल में, आपको गाड़ी ड्रॉप कर देगी वॉल्वो बस स्टैंड तक। अब इस पैकेज में पता लगा लेते हैं क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं। 3 नाइट का आपको होटल का स्टे दिया जाएगा, 3 ब्रेकफास्ट 3 डिनर मिलेंगे आपको, साइट सींग मिलेगी सोलांग वैली से बाई प्राइवेट व्हीकल, साइट सींग मिलेगी कुल्लू मणिकरण बाय प्राइवेट व्हीकल, हाफ डे की लोकल साइटिंग मिलेगी बाय प्राइवेट व्हीकल, जिसमें आपके हडिम्बा टेम्पल, क्लब हाउस, तिब्बतन मोनेस्ट्री, वशिष्ठ टेम्पल, वन विहार जैसी लोकेशन होंगी। और आपको मिलेगी 2 मनाली दिल्ली एसी सेमी स्लीपर वॉल्वो टिकट्स। ये आपको हनीमून इंक्लूजन मैंने बताया दिया था। इसकी कॉस्ट आपको दोस्तों पड़ने वाली है लगभग 13,500 रुपये एक कपल के लिए। बाकी यहाँ पर पेमेंट पॉलिसी दी गई है, कैंसलेशन पॉलिसी दी गई है, उसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन 13,500 रुपये में इतना जबरदस्त पैकेज आपको दिया जा रहा है, वो भी अच्छे खासे होटल और हनीमून इंक्लूजन के साथ। दोस्तों ऐसा पैकेज मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप इस पैकेज को बुक कराना चाहते हैं तो मैंने जो ट्रैवल एजेंट का नंबर आपको वीडियो के टाइटल में दिया है, उस नंबर पे कॉल करके आप संपर्क करिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस नंबर को आप प्राप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी। इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल अगर आपको मेरे से करने के लिए रह जाते हैं तो वीडियो पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमेशा YT भारत चैनल पर बने रहें। मिलते हैं इसी तरह के अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।